भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप का मैच 5 नवंबर को यानी कि आज खेला जाएगा। आज होने वाले मुकाबले के लिए खूब तैयारियां की गई है क्योंकि आज ही टीम इंडिया के चेज मास्टर विराट कोहली का जन्मदिन भी है। जाहिर सी बात है कि किंग कोहली इस दिन को खास बनाना चाहेंगे और अपने फैंस को स्पेशल गिफ्ट देना चाहेंगे। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट कोहली आज 35 साल के हो गए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने विराट का जन्मदिन एक बड़े लेवल पर मनाने का प्लान तैयार कर लिया था, जिसमें तय किया गया था कि 70,000 विराट के मास्क लोगों के बीच बांटे जाएंगे। साथ ही विराट का बर्थडे केक भी मैदान के बीचों बीच काटा जाएगा। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के लिए ICC ने इजाजत नहीं दी। अब जब ICC ने इसकी इजाजत नहीं दी तो क्या हुआ? मैदान के अंदर ना सही, मैदान के बाहर उनके फैंस ने विराट के लिए उनके बर्थडे को खास बनाने की तैयारी कर ली है। ईडन गार्डन के बाहर या ये कहें कि पूरे कलकत्ता शहर में सबसे ज्यादा विराट की जर्सी बिक रही है। फैंस ने तय किया है कि उनके जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा लोग विराट की जर्सी पहने हुए नजर आए और साथ ही विराट के मास्क भी खूब बांटे जा रहे हैं। यानी कि आज कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर चारों तरफ विराट ही विराट नजर आने वाले हैं। विराट के फैंस ने तो ठान लिया है कि वो इस दिन को यादगार बनाएं, लेकिन विराट की भी कोशिश होगी कि वो अपने फैंस को खास तोहफा दे। विराट कोहली महान सचिन तेंदुलकर के वनडे शतकों के रिकॉर्ड से अब महज एक कदम दूर हैं। फैंस को उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड विराट कोहली अपने जन्मदिन पर बनाए और अपने फैंस को रिटर्न गिफ्ट दे। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक हैं, जबकि विराट ने अभी तक 48 शतक ठोके हैं। इसी वर्ल्ड कप में विराट ने 3-3 शतक के करीब पहुंचे हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। लेकिन आज उम्मीद है कि विराट कोहली सचिन के 49 शतकों की बराबरी कर लेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।